फिल्मी फ्राइडे पर रिलीज हुई शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और यामी गौतम की फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू। बॉलीवुड नाउ ने जानी क्रिटिक्स की राय। फिल्म बहुत अच्छी है और सोशल जो मैसेज है उसके पीछे वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बिजली बिल एक आम समस्या है। मुंबई की आम जनता ने भी फिल्म देकर रखी अपनी राय। बत्ती गुल मीटर चालू एक घंटे बहुत एम्बैरेसमेंट फील आया, मतलब लग रहा था छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन जो आधे घंटे था ठीक ठाक थे क्योंकि जब सीरियस जब सीन चलाना से कंटेंट मूवी का बहुत अच्छा था। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपनी फिल्म स्त्री को मिले अपार सफलता के लिए मुंबई में पूरी टीम के साथ मनाया जश्न। अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, करण जौहर और शाहरुख खान ने लिया सुई धागा चैलेंज और इस चैलेंज को जीता किंग खान ने। सबसे कम समय में सुई में धागा डालने की इस चुनौती में किंग खान ने जीत हासिल कर ली। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख खान को विनर डिक्लेयर किया। आलिया भट्ट के 70 साल के पिता महेश भट्ट और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के कुछ तस्वीरें हुई वायरल। इन फोटोज में दोनों के क्लोजनेस देखकर सोशल मीडिया में बातें हुई। ट्रोलर्स ने दोनों को अनूप जलोटा और जसलीन मातारू की जोड़ी से किया कंपेयर। लवरात्रि बना लव यात्री। फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान ने फिल्म का नाम लवरात्रि से बदलकर लव यात्री रख दिया। बताते चले कि लवरात्रि इस टाइटल पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद सलमान ने लव यात्री टाइटल रखकर सारे विवादों पर विराम लगाया। बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश डीवा करीना कपूर खान ने 21 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया और इस खास दिन को और खास बना दिया उनके परिवार ने उन्हें सरप्राइज पार्टी देकर। वहीं 20 सितंबर को फिल्मेकर महेश भट्ट ने अपना बर्थडे परिवार के साथ मनाया। आलिया भट्ट का मस्ती भरा अंदाज मीडिया को देखने मिला, महेश भट्ट भी मीडिया को मिले। आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं सड़क 2 में। संजय दत्त और पूजा भट्ट 27 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलिया पहली बार अपने पापा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में काम करने वाली है। सड़क 2 25 मार्च 2020 में रिलीज होगी। जयपुर में सलमान खान ने एक स्कूल के डिफरेंटिएबल बच्चों के साथ समय बिताया। सलमान इन बच्चों के साथ घुले मिले और डांस किया। इन बच्चों को देख सलमान के आंखों में आंसू आ गए। फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान से एक्टर्स अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, फातिमा सना शेख के लुक्स मेकर्स ने अनवील की। सुरैया जान के अंदाज में ठगने आ रही है थग्स ऑफ हिंदुस्तान की कटरीना कैफ। अमिताभ बच्चन खुदा बख्श के किरदार में नजर आएंगे। फातिमा सना शेख का भी खूंखार योद्धा लुक ने लोगों का दिल जीता। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का एक मजेदार वीडियो सामने आया, जहां लाखों फैंस के सामने प्रियंका ने फियोंसे निक को किस किया। दोनों कैलिफोर्निया के एंजल स्टेडियम में मौजूद थे। एक और वीडियो में निक अपना बर्थडे सेलिब्रेशन प्रियंका के साथ करते नजर आए। हफ्ते भर में इनके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।